नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 में। राजस्थान के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय आज गुरुग्राम यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के नए भवन का जायजा लिया, जो कि 50 एकड़ से ज्यादा में बनाया जा रहा है। और साथ ही यूनिवर्सिटी के 26 करोड़ के सालाना बजट को बढ़ाकर 60 करोड़ बजट करने का भरोसा भी दिलाया। इसके अलावा राज्यपाल ने गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में चल रहे कोर्स इसके बारे में भी जानकारियां ली और नए कोर्स इसको आने वाले सत्र में बढ़ाने की बात कही, ताकि आने वाले वक्त में गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले छात्र गुरुग्राम के साथ साथ हरियाणा का भी नाम रोशन कर सके। इसके लिए कोर्सों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। आज गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में केवल यूनिवर्सिटी कैसा चल रहा है, क्या है, ऐसा देखने के लिए मैं आया था। मुझे खुशी लगा है यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया है और जो सारे डीन्स उन्होंने जो मीटिंग में बताए। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में सारे नए टेक्नोलॉजीज विद्यार्थियों को देने के लिए नए नए कोर्सेस, नए नए टेक्नोलॉजी के साथ शुरुआत करने के लिए अच्छे इनोवेशन में जो है आगे चल रहे हैं। इससे मुझे खुशी लगा है कि गत वर्ष में जो विद्यार्थियाँ डिप्लोमा किए, डिग्री किए, उनको 95% जो है उन लोगों को नौकरियाँ मिली। ऐसे जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें जो है बेरोजगारी को दूर करने के लिए और दूसरा इनोवेशन रिसर्च के साथ एंटरप्रेनर्स को बढ़ाने के लिए, इसमें जो साइंटिफिक टेंपर दिया गया वो अच्छा जो है। आज गुरुग्राम यूनिवर्सिटी भी सारे कॉमर्स से लेके इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी तक, ह्यूमैनिटीज तक, सारे विषयों के ऊपर उनका काम आगे बढ़ रहा है। उसके लिए मैं गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के सारे टीम को मैं बधाई दिया। सर, जो मांग यूनिवर्सिटी की तरफ से की गई है, चाहे जो कोर्स बढ़ाने की बात करें, तो उसको लेकर के कब तक हो सकता है कि उनकी मांग पूरी हो जाए यूनिवर्सिटी की? ये कह रहे हैं कि कितने दिनों में नया कैंपस या नई पोस्ट जो जिसके ऊपर आपने चर्चा की है, कब तक हो जाए? नहीं, वो कैंपस का निर्माण के लिए जो है काम आगे बढ़ रही है और बजट का भी जो है इसमें प्रावधान मिला है और इसको आगे बजट बढ़ाने का है और इस नए यूनिवर्सिटी का प्रांगण को जल्दी से जल्दी इसको एक रूप देने के लिए हम कार्य प्रणाली भी बना रहे हैं और उसके लिए हम हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी और हमारे राजभवन एक बार उनसे बैठक करके यहाँ के जो भी वैकेंसीज हैं और दूसरा जो प्रांगण निर्माण के बारे जी दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और मुख्यमंत्री ने भी, उन्होंने भी जो है वाइस चांसलर से भी उन्होंने मुलाकात किया था, उन्होंने भी इसको जल्दी बनाने का उन्होंने भी जो है उन्हें विश्वास दिया। राज्यपाल के इस दौरे के दौरान गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर दिनेश भी राज्यपाल के साथ मौजूद रहे और उन्होंने बताया कि गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की कैंपस का विकास कार्य तेजी के साथ चल रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही पूरा होगा। इसके बाद गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के स्टाफ की संख्या के साथ साथ छात्रों की संख्या भी बढ़ेगी। फिलहाल यूनिवर्सिटी से लेकर सरकार तक हर किसी की यही पहली प्राथमिकता है कि यूनिवर्सिटी का नया कैंपस जल्द तैयार हो और उसके बाद यूनिवर्सिटी का बजट बढ़ाने के साथ साथ कोर्सों की संख्या भी बढ़ाई जाए। राज्यपाल जी यहाँ पहुँचे थे, आपकी मुख्य मांगे क्या थी, बता दीजिए। देखिए, मांगे नहीं, ये तो सरकार अपने आप ही चाहती है। मैं बताता हूँ कि जो ये अभी कैंपस है, जो प्रेजेंट कैंपस है, यहाँ पर अपनी 2500 बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, 2200-2300 के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मेन कैंपस जो हमारा 44 एकड़ का बनने वाला है ककरौला गाँव में, वहाँ पर हमारे 15000 तक बच्चे पढ़ेंगे जब पूरा कैंपस बन जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय गवर्नर साहब दोनों ने ये इच्छा जताई है कि जल्दी जल्दी कैंपस बनाया जाए और हमने भी उनसे रिक्वेस्ट की है कि जो फाइनेंशियल एड जिसकी ज़रूरत है हमें कैंपस बनाने के लिए हमें मिले। तो उन्होंने हमें बताया कि बजट में इस बार एक्स्ट्रा प्रोविज़न कराया जाएगा और जो टीचर्स का नंबर है, टीचिंग पोजीशंस का नंबर है, वो भी हमें ज़्यादा यहाँ बढ़ेगा। तो क्या बजट है अभी तक? अभी हमारा बजट लगभग 26 करोड़ रुपये साल का बजट है, लेकिन आने वाले समय ये 26 करोड़ तो केवल टीचर्स की सैलरी और मेंटेनेंस में चल जाता है। हमें जो बिल्डिंग बनाने के लिए लगभग 60-70 करोड़ रुपये के लिए एक्स्ट्रा इस बार मिलेगा और ऐसी उम्मीद है। बहुत जल्दी नए कोर्स की भी आपने बात, हमने नए कोर्सेज इस बार हम शुरू कर रहे हैं बहुत सारे।
जैसे IoT में BTech है और साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, बिग डेटा एनालिटिक्स, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के जो कोर्स हैं वो नए प्रोग्राम में शुरू कर रहे हैं। हेल्थ से रिलेटेड भी प्रोग्राम है, हमारे हॉस्पिटल से रिलेटेड प्रोग्राम है, बहुत सारे नए प्रोग्राम हैं इस बार यूनिवर्सिटी में ऐड कर रहे हैं। सर, जो ककरोला की आप बात कर रहे हैं, अभी तो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी रहेगा अनलेस की स्टेट गवर्नमेंट कुछ और सोचे। बहरहाल गुरुग्राम में अलग से यूनिवर्सिटी देने के बाद जहां गुरुग्राम की एक अलग पहचान बनी है, तो वहीं गुरुग्राम के युवाओं के साथ साथ गुरुग्राम के भविष्य भी आने वाले दिनों में मजबूत होंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज भी सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।